नमस्ते और स्वागत है आपका इंडिया का सबसे पॉपुलर शो में, जिसका नाम है फेक और नॉट। मेरा नाम है मिथिका, आपकी होस्ट, जो झूठ को कहते हैं चल निकल दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 5 खबरें सुनाऊंगी और आपको बताना है कि क्या ये खबरें हैं फेक या नॉट फेक। और अगर आप देते हैं सही जवाब तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों, आज का दिन हम चीयरफुल नोट पे शुरू करेंगे, इसलिए पहली खबर है शराब के बारे में। देखो, शराब से लोग दुख भूल जाते हैं, प्रॉब्लम भूल जाते हैं, गणेश भूल जाते हैं, लेकिन अफसोस आपके लिए और एनवायरनमेंट के लिए शराब हानिकारक है। शराब की बॉटल में ग्लास का इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन एमिशन बढ़ते हैं और ढेर सारे रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब एक व्हिस्की ब्रांड ने कहा है कि वो कांच की बोतल को रिप्लेस करके पेपर बॉटल्स का इस्तेमाल करेंगे। 10 सेकंड में मुझे बताइए, विस्की कागज की बोतलों में बिका करेगी, फेक या नॉट फेक। मित्रों, हमें लोगों का शराब से लगाव तब दिख गया था जब सरकार ने अल्कोहल शॉप खोल दी थी। महीनों का सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन भूल के देश के सब पियक्कड़ एक साथ लाइन में खड़े हो गए थे, और ये खबर है नॉट फेक। अगले साल जॉनी वॉकर अपनी विस्की के लिए पेपर बॉटल लॉन्च करेंगे। इस बोतल में कांच का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रोडक्शन से कार्बन एमिशन बढ़ते हैं। प्लास्टिक का पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, इसलिए बोतल बनेगी पेपर से, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल और रिसाइक्लेबल भी है। तो अगले साल कोई आपको विस्की पीने के लिए जज करे तो आप उन्हें कहना कि आप दुनिया बचा रहे हैं। दोस्तों, आजकल नेपोटिज्म के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। फिलहाल तो चर्चा बॉलीवुड तक थी, लेकिन मेरी खबर के हिसाब से अब कॉर्पोरेट्स में भी चर्चा हो रही है। खबर के हिसाब से रतन टाटा जी ने कह दिया है कि टाटा का चेयरमैन कोई नॉन टाटा भी बन सकता है। शायद उन्होंने बॉलीवुड के लोगों को ट्रोल होते देख लिया होगा और अपना स्टांस क्लियर कर दिया। हाँ, वो मल्टी है शायद उन्होंने बॉलीवुड के लोगों को ट्रोल होते देख लिया होगा और अपना स्टांस क्लियर कर दिया। हाँ, वो मल्टी बिलियनर जरूर है, लेकिन कानपुर का करणवीर जब आपको ट्विटर पे हाय रतन यू आर फूम्स बोले तो बुरा तो लगेगा ना। रतन टाटा जी ने कहा कि आगे नॉन टाटा भी बन सकता है टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन, फेक या नॉट फेक। ठीक से सोचे दोस्तों, क्या टाटा जी ने कह दी इतनी बड़ी बात? क्या उन्होंने सिखा दिया बॉलीवुड को? क्या रतन टाटा ने कहा नेपोटिज्म को टाटा? ये खबर है नॉट फेक। चलो, अच्छी बात है कि टाटा जी को ये सेल्फ अवेयरनेस है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इनके कोई बच्चे नहीं है। समझ रहे हो ना? मतलब रतन टाटा का नेपोटिज्म के बारे में कुछ कहना इज लाइक अनुपम खेर का हेयर फॉल शैम्पू के बारे में कुछ कहना। लाइक ठीक है, कह तो सकते हो आप, लेकिन आपका इस मामले से कोई खास लेना देना शायद नहीं है, या है? आई डोंट नो, मैं कमेंट नहीं करती, मैं दूर रहती हूँ उन सब चीजों से। चलिए आगे बढ़ते। अगली न्यूज है बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका के बारे में, जिन्हें पीसी बुलाया जाता है क्योंकि उन्हें कंप्यूटर पसंद है। हैं? Anyway, इन्होंने हाल ही में शादी की पॉप आइकॉन निक जोनास के साथ, और सब लोग काफी खुश थे क्योंकि फाइनली पिगी चॉप्स की शादी हो गई। Anyway, मेरे सूत्रों के हिसाब से एक गर्मा गर्म खबर आई है, शायद पीसी की निक से पहले किसी और के साथ शादी हुई थी। तो आप बताइए, निक जोनास से शादी करने से पहले प्रियंका चोपड़ा की एक और शादी हो चुकी थी, फेक या नॉट फेक? आपको तो पता ही है कि मैं SRK की दीवानी हूँ, लेकिन कॉलेज टाइम पे मेरे क्रशेस अलग थे। मुझे लगता है उस टाइम पे सब लड़कियों के सेम क्रशेस थे, शान, मिलन सोमन, निक जोनास। एनीवे, ये स्टोरी है फेक। एक बार एक आदमी ने उनका स्वागत करने के लिए फूलों का हार पहनाया उन्हें, और प्रियंका ने वापस उनको फोटो देख के मीडिया को लगा कि शायद उनकी शादी हो गई है, और उस आदमी के तो मीडिया वालों ने इंटरव्यूज भी लिए। वाह, तालियां बजाओ जरा ऐसी मीडिया के लिए। बच के रहिए दोस्तों, सोचो आप किसी शख्स के साथ अपने गार्डन में राउंड्स मार रहे हो, पर मीडिया कहेगी आपकी भी शादी हो गई है क्योंकि आपने 7 फेरे ले लिए। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंची है, काफी लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, और कई बार कोरोना वायरस से मृत्यु हुए लोगों का अंतिम संस्कार भी संभव नहीं होता। हमारी अगली खबर भी अंतिम संस्कार के बारे में है, लेकिन एक ग्लेशियर की, यानी बर्फ का बड़ा माह। हाँ, मेरी खबर के हिसाब से ये आइसलैंड में हुआ था, तो अब आप बताइए, आइसलैंड में एक ग्लेशियर का अंतिम संस्कार किया गया,
फेक या नॉट फेक। दोस्तों अगर किसी बर्फीली चीज की मौत होनी चाहिए तो वो है टाइटैनिक पिक्चर का आइसबर्ग। साले मनहूस, मेरे जैक और रोज को बर्बाद कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये खबर है नॉट फेक। आइसलैंड में एक उकजोकुल नाम के ग्लेशियर के लिए मॉक फ्यूनरल हुआ था। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये फ्यूनरल किया गया, क्योंकि अब तक कुछ गधे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियल है ही नहीं। पिछले साल का जुलाई आइसलैंड का सबसे गर्म जुलाई था। टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया खत्म करना जरूरी है क्या? सोचिए जरा, हमें तो सब्जी वाले तक जाने के लिए भी हवाई जहाज मिल जाएगा इस टेक्नोलॉजी से, लेकिन हमारे बच्चों के पास ये दुनिया ही नहीं होगी। तो प्लीज अपने हर एक्शन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखिए। एवरी लिटिल एफर्ट मैटर। हाल ही में खबर वायरल हुई जिसके हिसाब से यूनियन लॉ डिपार्टमेंट ने एक लॉ बदल दिया है, और इस बदलाव के चलते अब पुलिस को बेल देने का हक नहीं है। इसका मतलब अगर आप अरेस्ट हो गए तो पुलिस आपको जमानत ही नहीं दे सकती, आपको बेल के लिए कोर्ट में केस प्रेजेंट होने का इंतजार करना पड़ेगा। कहा गया है कि पुलिस अपने पावर का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए इस एक्शन से करप्शन कम होगा। तो आप बताइए, सरकार ने जमानत देने के लिए पुलिस के अधिकार को वापस ले लिया है, फेक या नॉट फेक? वाओ, इसका मतलब आपको अगर किसी छोटे गुनाह के लिए अरेस्ट किया तो आपको जेल में रहना पड़ेगा जब तक कोर्ट की डेट नहीं मिलती। और जैसे सनी पाजी ने कहा, कोर्ट की डेट मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको सिर्फ मिलेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे। ओके, एनीवे टाइम नहीं है मेरे पास, पर आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये खबर है फेक। ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है, ना इसका कोई जिक्र किया गया है। तो डरिए मत, दिल खोल के क्राइम कीजिए ना। मजाक कर रही हूँ। घर रहिए, रूल्स फॉलो कीजिए, हाथ धोइए और टेंशन कम लीजिए। वैक्सीन रास्ते में ही है, लड़का निकल गया है, आता ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि कल ब्रेकफास्ट में आइसक्रीम बनानी है। अगर आपने 500 सवालों के सही जवाब दिए तो आप प्राइज जीत गए हो। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए।